तो चलिए गाइस, अगला लेक्चर हम ले दे रहे हैं जो कि आपका है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सिंपल वर्ड में इसको समझेंगे, जानेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा वो भी हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखने में बहुत ही हमको भयानक सा शब्द लगता है भाई, बॉन्ड और ऑर्डर क्या क्या इसका सेंस है, तो उसी को हम जानेंगे क्या होता है। वैसे बॉन्ड मतलब आप जानते हो कि किसी भी जो है केमिकल जो मॉलिक्यूल्स बनता है एटम के बीच में, तो आप जानते हो बॉन्ड क्या होता है, लेकिन ऑर्डर क्या चीज़ है उसको हम समझेंगे। तो जरा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि जो लुईस का हमने पढ़ा था कि भाई स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था लुईस का, तो उसमें उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो उन्होंने बताया है कि भैया जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इज़ गिवन बाय द नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो सिंपल मतलब ये है इसका, याद रखना कि जितने आपके नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल्स में, उसे हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। मतलब किसी में भाई एक बॉन्ड बना तो उसका एक ऑर्डर, दो बॉन्ड बने तो दो ऑर्डर, तीन बॉन्ड बने तो तीन ऑर्डर, किसी में जीरो ऑर्डर आ गया तो मतलब उसमें बॉन्ड ही नहीं बना, मतलब कि वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ही नहीं बना है, तो इसे हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मतलब होता है कि वहाँ पे उसके नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन है कि हमें बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर बताता है हमें कि इसमें नंबर ऑफ जो है बॉन्ड कितने बन रहे हैं बिटवीन टू एटम के। जैसे आपका मान के चलिए, जैसे कि अभी हाँ, जैसे कि आपका कार्बन वाला था, तो कार्बन में आपने देखा हो हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनते रहते हैं, तो वैसे तो उसमें एक बनता है। अभी दूसरा एग्जांपल लूँगा उससे आप समझोगे, जैसे अभी ये ओ टू है, तो ओ टू के बीच में हमने देखा था कि भाई ओ टू है तो उसके उसके बीच में दो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, टू आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो अब जरा इसको पढ़ते हैं, फालतू में बकवास हो जाएगी ज़्यादा। क्या लिखा है भैया कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए H2 विद अ सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ O2 विद जो है टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और N2 जिसमें कि थ्री शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, देखिए भैया, तो H2 के लिए वन रहेगा, O2 के लिए टू रहेगा, N3 के लिए थ्री रहेगा। तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि H2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, O2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा और N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये हमें ऑर्डर से पता चलता है, ये यहाँ पे बताया गया है। सिमिलरली इन CO में थ्री शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मतलब कि CO और O के बीच में जो बॉन्ड होगा वो थ्री होगा, इसलिए इसका ऑर्डर जो आएगा वो थ्री हो जाएगा। फोर N2 के लिए जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो थ्री है, मतलब कि इसका सीधा है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके जो डेल्टा जो होगा मतलब एंथैल्पी जो होगी इसकी वो कितनी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी 94.6 किलो जूल पर मोल है, बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और ये जो है सबसे हाईएस्ट है एक डायटोमिक। मतलब देखो NCERT की बात की रहती है, बीच बीच में एक्स्ट्रा जानकारी भी डाल देता है, जैसे अभी हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने इधर ये भी डाल दिया भैया तीन बॉन्ड बनने के कारण वापस की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी ज़्यादा होगी। तो समझ लीजिए आप क्या है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जिनके इलेक्ट्रॉन जो सेम रहते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स उन एंड आयंस, उनके पास क्या होता है एक आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे F2 है एंड O2 जो है टू नेगेटिव है, तो इनका जो ऑर्डर होगा, ये जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो वन होगा। अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है, क्योंकि इसका सम आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन वगैरह का तो वो इसके ही बराबर आएगा, तो इसलिए ये जो आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब कि यदि इस वालों मतलब इसका यदि बन है तो वो इसका बन होगा, जैसे N2CO NO पॉजिटिव, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो थ्री है, मतलब ये जो है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं आपस में, इसलिए इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है यदि इसका थ्री है तो इसका भी थ्री, इसका भी थ्री। आ गया होगा आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ। आगे लिखा है इन जनरल करेक्ट जो है लेसन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज दैट
विथ इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज एंड द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी ये कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे उसमें जो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो भी इंक्रीज करती है, लेकिन जो उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है वो डिक्रीज करती है। मतलब इसका ये है, जैसे कि आपके पास क्या है, आपका एन टू है, तो एन टू में यदि आपका क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो बॉन्ड है ऑर्डर है वो कितना है आपका तीन है, और इसका जो बॉन्ड है क्या है आपकी एंथैल्पी वो भी हाईएस्ट होगी, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी मतलब कि जब ये पूरा बनेगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, और ये जनरल करेक्ट लेसन है इसके बारे में, है ना। बाकी और इसमें कुछ है नहीं, अब आगे हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये सबसे एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सीधा सीधा यूज़ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, इसलिए हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल भी हम लेंगे। तो इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।